संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि विभाजन राजनीति का विषय नहीं है और इसे कभी न मिटने वाला दर्द वेदना उन्होंने बताया, लेकिन इसका समाधान क्या है, इस पर मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो बहस का मुद्दा बन सकता है। मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर देश के विभाजन के मुद्दे पर बात की है। भारत के बंटवारे से हुई वेदना को कभी कम कर नहीं आंका जा सकता। संघ प्रमुख ने इस त्रासदी में दी गई मानवता की बलि का जिक्र किया और कहा कि विभाजन कोई उपाय था ही नहीं, क्योंकि भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की गई। खून की नदियां न बने इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था। मोहन भागवत ने बिना नाम लिए देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन के नाम पर लगने वाले देश विरोधी नारों का जिक्र किया और कहा देश का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। और 15 अगस्त 1947 की खंडित स्वतंत्रता के बाद भी ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े हो। ये सवाल आज भी मौजूद है कि अगर हमारे नेताओं ने पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी होती तो क्या होता। इस सवाल का जवाब आज देना कठिन है, लेकिन इस आरोप को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि विभाजन के वक्त हमें झुकना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।